नमस्कार, मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना नेटवर्क। काकोरी से अंग्रेजों को परास्त करने वाले हमारे वीर सेनानी अस्पतुल्ला खान की भूमि, ये भूमि चार तीर्थंकर ऋषभदेव जी, भगवान अजीतनाथ जी, सुमतीनाथ जी और अनंतनाथ जी की भूमि है। ये भूमि को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। ये जरा पर्दा पर्दा उठा लो या तो हटा लो भाई, कौन है वहां पर, उठा लो जरा पर्दा और ऊंचा उठा लो या तो नीचे गिरा लो, कुछ कर लो भाई। अरे इतने सारे पुलिस कर्मी है, पर्दा हटाओ भैया। ये भूमि है सालों तक प्रभु श्री राम लल्ला के जन्म स्थान के लिए संघर्ष, यहां एक बार विनाश भी हुआ, निर्माण भी हुआ, मगर हर बार विनाश पर निर्माण के विजय प्राप्त। इस सभी में भी जूते नहीं पहने, कई पीढ़ियों तक मीठा नहीं खाया, कई संतों महंतों ने अपने देह का त्याग किया, मगर प्रभु श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का स्वप्न सच नहीं। आजादी के 75 साल पहले बाद आजादी के वक्त हमारे पहले गृह मंत्री सरदार पटेल ने सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग का पुनर्निर्माण किया था, याद रखिएगा, 75 साल में। और 75 साल के बाद आज हम सब देश के सभी लोग और करोड़ों वीरों से बढ़ते सभी श्रद्धावान लोग सौभाग्यशाली है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री राम लल्ला के भव्य मंदिर का पूरा पूजन करने का काम किया, इसका भूमि पूजन किया। इसको रोकने के लिए सपा बसपा कांग्रेस जब भी शासन में रहे ढेर सारे आप सभी को याद होगा, भैया याद है या नहीं है, कार सेवकों पर गोली चलाई थी याद है या नहीं है, ग्राम सेवकों पर डंडे चलाए थे याद है या नहीं है, ग्राम सेवकों को मारकर मां सरयू में बहा दिया गया था याद है या नहीं। उस सब होने के बावजूद आज आपने पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, श्री नरेंद्र मोदी जी इसके प्रधानमंत्री बने और आज मैं देख कर आया हूँ राम लल्ला का मंदिर वही स्थान पर आज जोर शोर के साथ। जो रोकना चाहते थे वो सभी को मैं कहना चाहता हूँ, रोक सके तो रोक लो, किसी में रोकने का दम नहीं। और आज मैं यहां कहकर चाहता हूँ मित्रों, किसी भूमि पर, किसी अयोध्यापुरी में, किसी सरयू के किनारे पर राम का जन्म हुआ था, उसी स्थान पर देखते देखते उसी महीनों में आकाश को छूने वाला राम मंदिर बनने वाला है।
साल रामलला को टेंट में क्यों रखा? इतने साल राम मंदिर को किसने रोक दिया? कार सेवकों पर किसने गोलियां चलाई? रामनवमी के उत्सव को कौन बंद कर दिए थे? दीपोत्सवी को कौन बंद कर दिए थे? और राम भक्तों पर डंडा किसने चलाया था? ये सभी हमें याद रखना है मित्रों। ये आज की बनाई यूपी के मतदाताओं ने बनाई नरेंद्र मोदी सरकार है। काशी में मोदी जी ने बाबा विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर का भी निर्माण करकर श्रद्धालु और अब जय विश्वनाथ के दर्शन करके जाते हैं।